यस क्लास ट्वेल्थ। ठीक, हम पढ़ रहे थे डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन्स। क्या पढ़ रहे थे बेटा? डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन्स की स्किन से रिलेटेड कौन कौन सी ऑर्गन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन्स में देखा था हमने पहला हेयर, किसके बारे में पढ़े थे हम? डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन्स पढ़ रहे थे ऑफ स्किन, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था बेटा हेयर। तो हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पूरा देख लिया था। और इसके अलावा हम पढ़े थे कुछ सीबीसीएस क्यूटेनियस ग्लैंड, किसके बारे में पढ़े थे? क्यूटेनियस ग्लैंड। ठीक है, क्यूटेनियस ग्लैंड में हमने किसके बारे में देखा था सबसे पहले? कौन कौन सी ग्लैंड देखी थी? एक तो हमने देखी थी स्वेट ग्लैंड, कौन सी देखी थी बेटा? स्वेट ग्लैंड। और एक सीबीसीएस ग्लैंड, कौन सी? एक हमने देखी थी स्वेट ग्लैंड और हमने देखी थी दूसरी सीबीसीएस ग्लैंड। सीबीसीएस ग्लैंड, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी कि स्वेट ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सीबीसीएस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है। तो देखो, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये स्किन थी, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई, ऊपर वाली एपिडर्मिस, नीचे वाली हो जाएगी डर्मिस। ठीक है, तो सपोज करो ये हेयर है, ये हेयर है, तो यहाँ पर इसकी डक्ट सीधी निकलेगी सीबीसीएस ग्लैंड की। ये है हमारे सीबीसीएस ग्लैंड, कौन सी है बेटा? स्वेट ग्लैंड। कौन सी है? स्वेट ग्लैंड। और हमने कहा कि हेयर के पास में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सीबीसीएस ग्लैंड। कौन सी? सीबीसीएस ग्लैंड। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था, सीबीसीएस ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था। स्वेट ग्लैंड के बारे में हमने क्या देखा था बेटा? ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, कैसी होती है? तो एक बार वापस थोड़ा क्विक रिविजन कर लेते हैं इन दोनों का। ठीक, देखो कैसी ग्लैंड होती है स्वेट, क्यूटेनियस हेयर के बारे में पढ़ लिया, क्यूटेनियस ग्लैंड पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहला देखा था कौन सी ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड। कौन सी? स्वेट ग्लैंड। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था ये कैसी है बेटा? ट्यूबुलर है। ठीक है, तो ट्यूबुलर ग्लैंड है। ठीक, इसका जो लोअर पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? डर्मिस में। तो इसका लोअर पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? डर्मिस में। और इसका डक्ट पार्ट कहाँ ओपन हो रहा है? डायरेक्टली इनटू सरफेस। ठीक है, तो डक्ट ओपन डायरेक्टली इनटू सरफेस। कहाँ पर ओपन हो रहा है बेटा? डायरेक्टली सरफेस पर ओपन हो रहा है। ठीक है, और स्वेट का सिक्रीशन करेगा। स्वेट में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? साल्ट, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था सीबीसीएस ग्लैंड। कौन सी? सीबीसीएस ग्लैंड। ठीक है, तो अगर हम सीबीसीएस ग्लैंड के बाद देखो, ये हेयर के यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये किसका सिक्रीशन करती है बेटा? सीबम का। किसका सिक्रीशन करती है, याद रखना? सीबम का सिक्रीशन करती है। ठीक है, जो क्या बनाती है? ऑयली। हेयर को क्या बनाती है? ऑयली। हेयर को क्या बनाएगी बेटा? ऑयली। ठीक है, ये हमने कल इसके बारे में सीबीसीएस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम कोई अदर ग्लैंड्स है कुछ, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो कौन सी ग्लैंड है? इसके बाद तीसरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड। कौन सी? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी विल प्रोड्यूस मिल्क फॉर द नरिशमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, तो ये बेटा किसका फॉर्मेशन करती है? तो हमें पता है मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है मिल्क। वो ये क्या काम करेगा बेटा? नरिशमेंट का काम करेगा, नरिशमेंट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, न्यू बॉर्न चाइल्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और ये किसका मॉडिफिकेशन है, याद रखना है? इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ सीबीसीएस ग्लैंड। क्या है बेटा? इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ
सिबेसियस ग्लैंड का ये ग्लैंड है। पूछा आपको किसका मॉडिफिकेशन है, तो सिबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब मिल्क का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो मिल्क जो सीक्रेशन हो रहा है, तो मिल्क हम बात करेंगे, मिल्क सीक्रेशन इज कंट्रोल बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन। किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल होता है बेटा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ये कंट्रोल होता है। कौन सा? मेमोरी ग्लैंड। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गए हमारे मेमोरी ग्लैंड, तो याद करना क्या क्या प्रोड्यूस करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है। मिल्क क्या काम आता है? चाइल्ड के नरिशमेंट में काम आता है। मॉडिफिकेशन ऑफ सीबीसीएस ग्लैंड है मेमोरी ग्लैंड। और मिल्क सीक्रेशन कंट्रोल बाय कौन से हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है मिल्क का सीक्रेशन, ये याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। तो ये हमने पढ़ लिया मेमोरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? मेमोरी ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं सिरुमिनस ग्लैंड, कौन सी है बेटा? ठीक है, तो सिरुमिनस ग्लैंड क्या है? दीज आर फाउंड इन द एक्सटर्नल ईयर। तो सिरुमिनस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? फाउंड इन एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, अब ये किसका प्रोडक्शन करती है बेटा? तो दीज ग्लैंड प्रोड्यूस सिरुमिन विच इज कॉल्ड ईयर वैक्स। देखो किसका फॉर्मेशन करती है, याद रखना, सिरुमिन का फॉर्मेशन करती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, विच इज कॉल्ड ईयर वैक्स। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ईयर वैक्स बोला जाता है। ठीक है, तो सिरुमिनस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी, याद रखना, एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट होती है, कान में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये किसका फॉर्मेशन कर रही है? सिरुमिन का फॉर्मेशन कर रही है। किसका? सिरुमिन। और इसी सिरुमिन को क्या बोला जाता है बेटा? ईयर वैक्स बोला जाता है। अब ये ईयर वैक्स का काम क्या है? देखो ईयर वैक्स होगा अगर हमारे कान में, तो ये क्या करेगा बेटा? ट्रैप कर लेगा डस्ट पार्टिकल को, करने क्या काम करेगा? ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, एंड क्या करेगा बेटा? प्रोटेक्ट करेगा हमारे ईयर ड्रम को, प्रोटेक्ट ईयर ड्रम। टिम्पेनम कह दो, ये ईयर ड्रम कह दो, ठीक है ना, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो याद रखना सिरुमिनस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? ये एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट होती है। ये किसका फॉर्मेशन करती है? ये सिरुमिन का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम ईयर वैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कान की किट्टी बोलते हो ना आप, एक्चुअली वो यही है, सिरुमिन है। ठीक है, और ये क्या करती है, अगर कान में कोई डस्ट पार्टिकल जा रहा है तो उसको वहीं रोक लेती है, जिससे हमारे किसको प्रोटेक्ट करती है? ईयर टिम्पेनम को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद हम ग्लैंड देखते हैं, पेरिनियल ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, याद रखना बेटा, एनस पार्ट पर। कहाँ पर होती है? नियर द एनस पार्ट। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? नियर द एनस पार्ट। ठीक है, इतना याद रखना है, पेरिनियल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? नियर द एनस पार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड की, उसका नाम है बेटा मीबोमियन ग्लैंड। ठीक है, तो मीबोमियन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, याद रखना, आई लीड पर। कहाँ प्रेजेंट होती है? तो दीज आर फाउंड बिलो द, तो दीज आर फाउंड बिलो द आई लीड्स। ठीक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये किसका, ठीक है, देखो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? आई लीड पर प्रेजेंट है, थोड़ा आई लीड के ऊपर की ओर प्रेजेंट है ह्यूमन बींग्स के। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन करती है, किसका सिक्रेशन करती है? ऑयल का सिक्रेशन करती है, जो हमारे प्रोटेक्ट करेगा कॉर्निया को। किसको प्रोटेक्ट करेगा? कॉर्निया।
याद रखना, देखो पिरिमिनियल ग्लैंड का प्रेजेंट होती है एनस के पार्ट के पास प्रेजेंट होती है, मेबोबियन ग्लैंड का प्रेजेंट होती है आई लीड पर प्रेजेंट होती है, जो ऑयल का सिक्रेशन करती है, ये ऑयल हमारे कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद और कोई ग्लैंड है देखते हैं, जेइस ग्लैंड। नेक्स्ट कौन सी है बेटा? जेइस ग्लैंड्स, ठीक है ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? डर्मिस ऑफ आई लीड, आई लीड के डर्मिस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगी? डर्मिस ऑफ आई लीड, आई लीड के डर्मिस पे प्रेजेंट होगी। और ये क्या करेगी बेटा? इसका जो सीक्रेशन है वो आईलेस को स्मूथ बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ठीक है, इट्स सीक्रेशन कीप्स आई लेसेस स्मूथ, आईलेस को क्या बनाएगा बेटा? स्मूथ बनाएगा। तो ये सारी बहुत सारी ग्लैंड्स थी, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। तो जेस ग्लैंड भी ध्यान रखना कहाँ प्रेजेंट होगी? आईलिड पर। और ये आईलेस को क्या बनाती है? स्मूथ बनाती है। तो ये हो गए हमारे ड्यूटीज ऑफ स्किन्स, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन के फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ स्किन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन तो प्रोटेक्शन ओवर आवर बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी को क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी फ्रिक्शन, ठीक है। तो क्या करेगी? इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज एंड फ्रिक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन करती है, देखो एक्सटर्नल इंजरी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनको भी प्रोटेक्ट करती है। देखो इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी। इसके अलावा किससे करती है बेटा? बैक्टीरिया, फंगस एंड वॉर्म इन्फेक्शन से भी बचाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये हमारी बॉडी को तो एक्सटर्नल जो फ्रिक्शन है उससे हमारी बॉडी को बचाती ही है, उसके अलावा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उसको भी इंजरी से बचाती है, या बैक्टीरिया फंगस वॉर्म इन्फेक्शन से भी ये स्किन बचाती है, आसानी से इंटरनल ऑर्गन में इन्फेक्शन नहीं फैलने देती। दूसरा हम फंक्शन देख लेते हैं इसका, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फर्स्ट फंक्शन हो गया बेटा। सेकेंड फंक्शन देखते हैं इसका, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड फंक्शन क्या है बेटा? रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करेगी। द स्किन हेल्प टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड फैट टिश्यू, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? फैट टिश्यू पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, उसकी वजह से ये क्या करती है? बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करती रखती है। तो हम लिख सकते हैं द स्किन हेल्प्स टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा? बाय द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड फैट टिश्यू। जो बॉडी में स्किन में जो फैट टिश्यू पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है,
उसके थ्रू ये करती है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, दूसरा फंक्शन भी हो गया इसका। तीसरा फंक्शन देख लेते हैं, शेप ऑफ द बॉडी। क्या देखें बेटा, शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्किन इज हेल्पफुल टू मेंटेन द शेप ऑफ द बॉडी। तो स्किन क्या करती है बेटा, स्किन इज किसमें हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी ठीक है, चौथा पार्ट कौन सा बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड पार्टिकल। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, इन फैटी टिश्यू ऑफ स्किन इज स्टोर्ड फैट एज फूड मटेरियल। ठीक है ना, ठीक है, जो फैटी टिश्यू होते हैं स्किन के, स्किन इज वो क्या स्टोर करके रख लेती है बेटा, स्टोर फैट एज फूड मटेरियल। ठीक है, तो फैटी टिश्यू फैट को स्टोर करके रखती है, वो हमारे एज ए एनर्जी के रूप में काम में आता है। ठीक है, स्किन इज हेल्पफुल मेंटेन बॉडी शेप में, तो काम आ ही रहा है, बॉडी शेप को मेंटेन करके रख रही है, फूड स्टोरेज को फैट के रूप में स्टोर करके रख रही है। ठीक है, ये फंक्शन हो गए। इसके बाद में देखते हैं सिक्रीशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंस का भी सिक्रीशन करती है। तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इसका बेटा, सिक्रीशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। ठीक है, देखो यूजफुल सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है। ठीक है, तो स्किन क्या कर रही है बेटा, स्किन ग्लैंड्स सीक्रेट कर रही है यूजफुल सब्सटेंस। कौन कौन से याद रखना, कौन कौन से याद कर रहा है, ऑयल है, ठीक है, ईयर वैक्स है, मिल्क है, इटीसी। ठीक है, तो यूजफुल सब्सटेंस का सीक्रेशन भी किया जाता है स्किन ग्लैंड के द्वारा, जैसे ऑयल, ईयर वैक्स, मिल्क, ठीक है, स्वेट। ठीक, ऐसे यूजफुल होते हैं ये। आगे हम बात करेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है, किसकी बात करेंगे बेटा, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करती है स्किन, सिक्स पॉइंट आएगा हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की बात करेंगे, स्वेट ग्लैंड ऑफ स्किन एक्सक्रीट स्वेट कंटेनिंग साल्ट, यूरिया एंड CO2। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड ऑफ स्किन एक्सक्रीट स्वेट कंटेनिंग साल्ट, यूरिया एंड CO2, इन सबका भी सिक्रीशन किया जाता है। ठीक है, देखो स्वेट क्या हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया ना। ठीक है, स्वेट एक तरह का क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का, उसके अंदर साल्ट है, यूरिया है, CO2, ये सब क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो स्किन एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रही है। ठीक है, लास्ट बात करते हैं हम लोकोमोशन। ठीक है, तो स्किन किस में हेल्प कर रही है, स्किन इज हेल्पफुल इन लोकोमोशन ड्यू टू इट्स फ्लैक्स इलास्टिक नेचर। ये देखो इलास्टिक नेचर ही तो होता है स्किन का, कैसे होता है बेटा इलास्टिक नेचर, तो उसकी इलास्टिक नेचर की वजह से किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। देखो एक वर्ड है केराटिनाइजेशन, उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि केराटिनाइजेशन क्या होता है। देखो केराटिनाइजेशन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ नॉन लिविंग केराटिन इन द आउटर मोस्ट ऑफ सेल ऑफ द एपिडर्मिस इज कॉल्ड केराटिनाइजेशन। पहले तो याद रखना, द फॉर्मेशन ऑफ द
formation of non-living keratin in the outermost cell, in the outermost of cell of epidermis is called केरेटिनाइजेशन. उसको क्या बोलते हैं बेटा? केरेटिनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, तो याद रखना केरेटिनाइजेशन क्या होता है, नॉन लिविंग केरेटिन का फॉर्मेशन हो जाता है ना, कहाँ पर? एपिडर्मिस के आउटर सरफेस. उसको क्या बोला जाता है? केरेटिनाइजेशन बोला जाता है. ठीक है, अब बहुत सारे देखो वरियस, बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं, तो वरियस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बन जाती है ऑफ एक्सोस्केलेटन आर फॉर्म्ड. तो केरेटिनाइजेशन की वजह से बहुत सारी एक्सोस्केलेटन बन जाते हैं. ठीक है ना? ठीक है, जैसे है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? केरेटिनाइजेशन. तो केरेटिनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? नॉन लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग केरेटिन का जमा हो जाना एपिडर्मिस पर, क्या कहलाता है? ठीक है, केरेटिनाइजेशन. और वरियस प्रोटेक्टिव एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक, जैसे हेयर है, ठीक है, किसके वजह से बने? केरेटिनाइजेशन की वजह से बने हैं. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. आई होप, देखो इस चैप्टर में हमने स्किन के बारे में पढ़ा, स्किन की लेयर पढ़ी, एपिडर्मिस और डर्मिस. एपिडर्मिस में हमने 5 लेयर पढ़ी, फिर डर्मिस में हमने 2 लेयर पढ़ ली. ठीक है, उसके बाद हमने डेरिवेटिव्स पढ़े, उसमें बहुत सारी अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा. उसके बाद इस चैप्टर में हम फंक्शन पढ़े. ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू वेरी मच.